السلام बसमैक्म तो आज बाईस हमदान है मैं फिर आपके सामने अनी से बाईसी मजलिस लेके हाज़िर हूँ जो कि आखिरी दौर के बयान में है बड़े सरकार हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी अपनी तबान मुबारक से फ़रमाते हैं कि अलैहि वसल्लम से हदीस है कि जब आखिरी ज़माना आएगा तो आलिमों को चोरों की तरह मारा जाएगा और आलिमों को मुनाफी कहेंगे और मुनाफिकों को आलिम फिर फरमाया कि जो शख़्स इल्म सीखता है खुदा ताला हुकुम देता है कि उसका नाम अलियाओं के आसमान पर लिया जाए फिर फरमाया कि अपने अब्बास रदी अल्लाह तहों से रिवायत है कि कुफ्र ईमान इस्लाम नफाक और इल में से हर एक की दो किस्में हैं कुफ्र की दो किस्में हैं अव्वल वफ्र जो खुदा ताला की नमतों का किया जाए मसल, मसलन नमाज जमात के साथ अदा ना करना बीमारों का देखना और मुसलमानों को फ़ायदा ना पहुँचाना इन सब बातों से सबब ईमान से खारिज नहीं होता दूसरा कुफ्र ये है कि मुसलमानों से फिर जाना और फर्जिया बातों का मुनकिर होना इसके सबब इंसान ईमान से खारिज हो जाता है ईमान की दो किस्में हैं एक मुनाफिकों का ईमान होता है जो ज़बान से इकरार करते हैं और दिल से शक रखते हैं ये मुनाफिकों का काम है लेकिन दूसरा ईमान खास जो मोमिन लोगों और दिल से तस्दीक करते हैं ये ईमान सिवाए नेकों कार आदमी के किसी की किस्मत नहीं होता और इस्लाम की दो किस्में हैं एक कि जब खुदा ताला की इबादत में मशगूल हों तो शक ना करें और जब उसके सामने सजदा करे तो दिल और ज़बान से उसे एक जाने बस ये इस्लाम पाक़िदा है दूसरा इस्लाम ये है कि ज़बान से कहे कि मैं मुसलमान हूँ और दिल में, में श, 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 दिल के अंदर कुफ्र रखे और इस बात का खौफ ना करे कि दीन क्या हाल होगा और किसी नदामत उठानी पड़ेगी और जो कुछ दिल में हो वही ज़बान से कहे और लोगों के दरमियान ला ए ला, ए ला ला की शहादत से ज़िंदगी बसर करे ऐसे शख्स जोज़क रोजक जो से बचे जाएंगे और निफाक की दो किस्में हैं अव्वल ये कि बंदा हलाल और हराम और अम्र वन नहीं का इकरार करे और फिर गुनाह में मशगूल हो जाए और बुराई करे और खुदा तआला से डरे और तौबा की उम्मीद रखें और ये उम्मीद करें कि खुदा उसे बदकार जानता है दूसरा निफाक ये है कि जबान से हलाल व हराम अम्र व नहीं का इकरार करे और दिल में ख्याल करे कि नमाज रोज़ा और जुक़ात ये अमल है अगर करूँगा तो इसका सवाब मिल जाएगा ये निफाक है उसका बदला जोरत की आग है और इल्म की दो किस्में हैं ये कि एक खास खुदा के लिए इल्म हासिल करना दूसरा इल्म आम जो शख्स इल्म का एक कलमा सुने उससे बेहतर है कि एक साल इबादत करे और जो शख्स ऐसी जगह बैठता है जहाँ इल्म का तस्करा होता है उसका सवाब ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर होता है और इल्म अंधे के लिए और भविष्य रहनुमा अल्लाहशाह को दुनिया और आखिरत में ज़ाया नहीं करता और अमल की दो किस्में हैं अव्वल जो खुदा के लिए की जाए, ये ख़ास हैं और दूसरा जो लोगों के दिखलावे के लिए किए जावें इसका बदला नहीं मिलता और ऐसा करना अच्छा नहीं है जो नहीं खाज़ साहब ने फ़वाद ख़त्म किए आप याद अलाही में मशगूल हो गए और खलकत और दुआो वापस चला आया अलहमदल्लाजालिका अलहमदिल्ला आज बाईस मजलिस में मुकम्मल हुई है जिसमें इल के बारे में बताया गया जिसमें ईमान के बारे में बताया गया जिसमें निफाक के बारे में बताया गया जिसमें हलाल और हराम के बारे में बताया गया जिसमें इल्म और अमल के बारे में बताया गया इल्म मुसलमान पे फर्ज है और ईमान इकरार बिल्सान तस्दीक बिलकल्ब का नाम है अमल हमारी नेकनीति का नाम है जो नमूदोनुमाइश और रिया से पाक होना चाहिए वही चीज़ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है इसके अलावा ईमान की बहुत दर्जे हैं जैसे जैसे ईमान इंसान का यकीन कामिल होता जाता है उसके ईमान में तरक्की होती जाती है अल्लाह ताला हम सब को इन अकवाल पर अमल करने की तोफ़ी का ताफरमाए और इसके अलावा मैं आपसे ज़्यादा कुछ अर्ज़ करना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरा मेरा मकसद सिर्फ़ आप तक मजलिस को पहुँचाना है और वह इन शाला तल पहुँचाता रहूँगा उसके बाद भी अगर आपको कोई सवालत या कोई मुश्किल या कोई मेरी ये मजलिस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसमें समझने में कोई तकलीफ़ या कोई मुश्किलें पेश आएँ तो आप मुझसे रबता कर सकते हैं इन शाह तल मैं आपकी पूरी मदद करने की तोफ़िक करूँगा तोफ़िक पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह ताली मेरी इस खिदमत को आप आप लोगों के वसीले से कबूल करें वो तो दावाना والحمد لله رب العالمين